बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि बार बार वादे और दावे से मुकरता रहा है। सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की आदत में शुमार हो चुका है। पाकिस्तान की इस तरह की हरकत से कश्मीर में चुनाव का माहौल खराब करने की कोशिश भी हो सकती है। पाकिस्तान ऐसी हिमाकत बार बार करता रहा है। 11 सितंबर को तड़के 2:35 पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। बीएसएफ की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। सीमा पार पर तैनात बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद सरहद पर सीज फायर उल्लंघन की घटना कभी कभार ही होती हुई नजर आई। पिछले साल रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। संघर्ष विराम उल्लंघन की यह घटना 18 सितंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के कुछ दिन पहले हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान को हर बार की तरह भारत इस बार भी मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत ने इस बार भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम चौकियों पर की है। फिर भी पाकिस्तान अपनी आदतों को सुधारता क्यों नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों पाकिस्तान जब पटखनी खाता है तो समझौता करता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, ये बड़ा सवाल जो है वो कायम है। और ऐसे में देश एक बार फिर ये कह रहा है कि जिस तरीके से ये सीज फायर तोड़ा गया है पाकिस्तान से, उसका जवाब भी पाकिस्तान की भाषा में ही दिया जाना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया, पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी की गई। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम समझौता जो है वो हुआ और इस समझौते के तहत दोनों देश जो हैं इस बात पर राजी हुए कि जो सीज फायर है उसका पालन किया जाएगा। तो वहीं साल 2018 से 2020 तक 10,752 बार सीज फायर तोड़ा गया है। 5,000 से ज्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। आखिरी बार 25 फरवरी को युद्ध विराम समझौते पर दोनों पक्षों की तरफ से हस्ताक्षर जो है वो किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान जैसा कि उसकी आदत है इससे वो बाज नहीं आ रहा। अब जरा आप ये जान लीजिए कि कब कब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। तो सबसे पहले 27 अक्टूबर 2023 को अरनिया सेक्टर जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायोलेशन किया गया। इसके बाद 9 नवंबर 2023 को रामगढ़ सेक्टर सांबा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और 14 फरवरी 2024 को अरिसपुरा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने अपनी मंशा को जग जाहिर करते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया। फिर 11 सितंबर 2024 सबसे लेटेस्ट जब अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और चार तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों को देखकर आप पूरी कहानी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे हर बार मात खाने के बाद गिड़गिड़ाता हुआ सीज फायर की वकालत करता है, पूरी दुनिया के सामने इस बात का रोना रोता है कि हिंदुस्तान उस पर हमला कर रहा है, जबकि शुरुआत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है और फिर सीज फायर जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से होता है, लेकिन पाकिस्तान हर बार की अपनी आदत से बाज नहीं आता और सीज फायर का उल्लंघन जो है वो करता हुआ नजर आता है।